हेलो एवरीवन, दिस इज निलोफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा ले। तो आज हम बात करेंगे एक लव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की जो टीचर्स ग्रुप में निकली थी। जैसे कि आपको पता है, इनके जो फॉर्म थे वो रीओपन किए गए थे और लास्ट डेट जो थी वो आपकी 19 तक की थी। ठीक है, अब सारा चीज हो चुकी है। हम भी ये सोच रहे थे कि हो सकता है इस डेट को एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, आप करेक्शन विंडो आपकी ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि जिन भी बच्चों ने, चाहे आपने किसी भी पीजीटी पीजीटी या फिर आपका प्रिंसिपल, देखिए यहाँ पर करेक्शन विंडो का जो ऑप्शन है वो किस किस के लिए खुला है मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर ये वाला, ठीक है, तो आप जैसे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपका शायद, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट अभी ठीक से काम नहीं कर रही। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ। प्रिंसिपल पोस्ट और शायद हॉस्टल वार्डर, जितनी भी पोस्ट आई थी उन सब के लिए करेक्शन विंडो आपका ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों से पहले ही कहना चाहूंगी कि जिन जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था, ठीक है, एक बारी क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपके पास चांस नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जब आपको पता है कि सारी चीजें हैं ठीक से हैं, तो अभी अभी क्या है, रश कम रहेगा। 24 तक आपकी लास्ट डेट है, 24 अक्टूबर रात 12 बजे तक आप करेक्शन कर सकते हो। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहती है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चीजों को प्रोसीड किया करें, ताकि आप कहीं ना कहीं टेंशन फ्री होकर आराम से बैठे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि साइट बिजी होने की वजह से आप करेक्शन नहीं कर पाते। ठीक है, और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने सारी चीजें ठीक से भरी है, लेकिन कुछ ना कुछ मिस्टेक हमने करी भी होती है। तो एक बारी आप सभी से कह रही हूँ कि करेक्शन विंडो में अपना चेक कर लीजिएगा पूरा फॉर्म है। और हाँ, यहाँ पर गलती होने के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादातर कहाँ होते हैं, वो होते हैं आपके परसेंटेज कैलकुलेशन में। ठीक है, तो जो आपका एग्जैक्ट परसेंटेज बन रहा होगा ना, उसी को ही कैलकुलेट करके अपना आप फॉर्म में फिल कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो चीजें इफेक्ट करती हैं। कई बार होता है कि इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई बार छोटी छोटी चीजों की वजह से भी है ना, आपको बहुत सी बड़ी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक तो अपना फॉर्म रीचेक कर लीजिएगा, दूसरा अपना जो परसेंटेज वाला, जो क्वालिफिकेशन वाला जो सेक्शन होगा ना, उसमें परसेंटेज वाला सेक्शन जरूर क्रॉस चेक किया करें। ठीक है, और जब पूरा सब कुछ सही हो जाए, लग जाए कि हाँ सब कुछ सही है, तो अपना सबमिट करके आराम से बैठिए। 24 तक का वेट मत कीजिएगा। आप लोगों से यही मैं हमेशा कहती हूँ कि साइट बिजी होने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, और एक लास्ट में ये कहना चाहूंगी कि टीएमआरएस जिस हिसाब से काम कर रहा है, आपको बहुत जल्दी आपका एग्जाम या फिर कह लीजिए आपको बहुत सारी चीजें एक साथ देखने को मिलेंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना रेडी रहिए, हर हाल में रेडी रहिए। जब भी आपसे एग्जाम का जो नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है या फिर एग्जाम डेट रिलीज की जाती है, तो उस टाइम पे आपको ये अफसोस ना हो कि हमने पढ़ा ही नहीं, हम किस तरीके से इतने कम टाइम में तैयारी करें। अपना तैयारी करते रहिए, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीजें इंतजार कर रही हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डेट ही आप लोगों को देनी थी, ताकि जो बच्चे परेशान हैं वो लोग, आप परेशान मत होना, ये सारी चीजें प्रोसीड करो और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन चीजें इंतजार कर रही हैं। इंशाल्लाह आप लोग सब सिलेक्ट हो, मैं तो यही चाहूंगी। बाकी आप लोगों ने जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छे से आप लोगों को सिलेक्शन के, जो कहते हैं ना एक सीढ़ी, उस सीढ़ी पे स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ते जाएंगे। ठीक है, इस रेस में है ना, सिर्फ ये याद रखिएगा कि आप जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।